बात क्रिमिनल्स की, मर्डर, लेटर, ब्लैकमेलिंग, कत्ल की हैरान कर देने वाली ये वारदात है। फार्म हाउस में एक शख्स को कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर उसे मौत के घाट उतारा गया, फिर उस शख्स की लाश को फेंक कर उसके पास सुसाइड नोट रख दिया गया। इसी बीच मृतक के मालिक को एक लेटर भेजा गया जिस खत में थी ब्लैकमेलिंग की कहानी। आप भी देखिए चौंकाने वाला खुलासा, चिट्ठी आई है, कातिल का पता लाई है। जराइम की दुनिया में कत्ल की अपने आप में हैरान करने वाली ये वारदात, जिसका प्लॉट एक फार्म हाउस था। राजनाथ गांव में सुरेश जोशी नाम के शख्स की लाश पारली नाला के पास मिली। ये लाश आखिर कौन फेंक कर गया? लाश के पास सुसाइड नोट मिला, तो क्या ये सुसाइड का मामला था? इस बीच शुरू हुई चिट्ठी की कहानी। सुरेश के मालिक ज्ञानचंद बाफना को ऑटो वाले ने लेटर दिया, जिसे पढ़कर उनके होश उड़ गए। शव के साथ में एक सुसाइड नोट भी हैंड रिटन मिला था, जिसमें उनके जो मालिक थे, जहाँ पे वो काम करते थे, ज्ञानचंद बाफना, उनके और उनके परिवार के विरुद्ध उसमें लिखा था। उसके दो दिन बाद 24 तारीख को ज्ञानचंद बाफना के पास में एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें उनसे एक्सटोर्शन की एक चिट्ठी होती है, जिसमें एक और हैंड रिटन नोट होता है, जिसमें उनके परिवार के खिलाफ में लिखा होता है कि उनके परिवार की वजह से जो मृतक है उन्होंने आत्महत्या की, ऐसे लिखा होता है। आखिर उस लेटर में ऐसा क्या लिखा था? मृतक सुरेश के पास मिले सुसाइड नोट का सच क्या था? पुलिस वाले अब भी खाली हाथ थे। फिर वो ऑटो ड्राइवर पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसने लेटर व्यापारी ज्ञानचंद को दिया था। लेटर देने वाले अब पुलिस के रडार पर थे। कड़ी से कड़ियां जुड़ती गईं और हुआ चौंकाने वाला खुलासा। चिट्ठी का पूरा जो मिलना और पूरा जो रूट है उसको शिनाख्त कराया जाता है, जिसके बाद कल ही जो शाम तक हम लोग को एक बड़ी सफलता इसमें मिलती है, जिसमें हम चार लोगों को गिरफ्तार करके हमें पूरा मामले का इसमें खुलासा होता है, जिसमें दयाराम साहू, मनीष कुटेल, नितेश सेन और प्रमेंद्र निर्मलकर, ये चार लोगों को हमने पकड़ने में सफलता मिली है। हम लोगों को इनके पास से हम लोगों की बाइक भी मिली है जो उपयोग हुई थी। उस लेटर के जरिए व्यापारी ज्ञानचंद बाफना को ब्लैकमेल करने का प्लान था। दरअसल सुरेश व्यापारी ज्ञानचंद के यहाँ काम करता था। सुरेश की मौत का जिम्मेदार लेटर में मालिक ज्ञानचंद को बताया गया। ये साजिश थी, जिसका मास्टरमाइंड प्रकाश गोलछा था, जिसने इन चार आरोपियों को साजिश में शामिल किया रुपयों का लालच देकर। इस तारीख को शाम को करीब 5 से 6 बजे के बीच में इन्होंने प्रकाश गोलछा, जो कि मुख्य इनका मास्टरमाइंड है इस घटना का, उसके फार्म हाउस पे ये घटना कारित हुई है। इन्होंने जो मृतक है सुरेश जोशी, उसको ये प्रमेंद्र अपनी बाइक पर लेकर गया और वहाँ पे जाके बाकी दोनों की मदद से, दयाराम साहू और मनीष कुटेल की मदद से, और प्रकाश गोलछा भी वहाँ पर उपस्थित था, उसकी मदद से इन्होंने थम्सअप में कीटनाशक मिलाया और कीट वो जबरदस्ती उसको पिलाया गया और उसके करीब 1 घंटे बाद उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद में प्रकाश गोलछा अपनी गाड़ी में डेड बॉडी को लेके आए और वहाँ पे डेड बॉडी को परीनाला के पास प्लेस किया। ब्लैकमेल करने के लिए पहले व्यापारी के नौकर सुरेश को फार्म हाउस में कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मारा, फिर सुसाइड नोट लिखा गया और फिर इस मौत के पीछे व्यापारी के परिवार को फंसाकर मोटी रकम मास्टरमाइंड प्रकाश गोलछा वसूलना चाहता था। मैं हैंड रिटन नोट प्लेस किया गया ताकि उसको ऐसा दिखाया जा सके कि वो आत्महत्या है और जो उनका टारगेट है ज्ञानचंद बाफना, उनसे पैसा और एक्सट्रॉड किया जा सके और उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। इसमें प्रकाश गोलछा अभी फरार हैं, जिनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। इनमें जितने लोग शामिल हैं, प्रकाश गोलछा के खिलाफ पहले भी 2 अपराध कायम हैं कोतवाली थाना में, नितेश सेन के खिलाफ भी 2 अपराध पहले कायम हैं और प्रेमेंद्र के खिलाफ भी बालोद ग्रांतराई में 1 अपराध कायम है। ब्लैकमेलिंग की इस कहानी में लेटर ने ही मास्टरमाइंड और उसकी गैंग को बेनकाब किया। राजनाथ गांव में राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नर्सिंग छात्रा की मौत की यह मिस्ट्री है, जिसकी लाश करीब 1 महीने तक जंगल में ही पड़ी रही।
जो अपने घर से निकली थी, दोपहर में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और फिर उसका पता ही नहीं चला। एक महीने के बाद पायल और कपड़े से लाश का सुराग मिला। इस मौत का राजदार क्या पुलिस वालों को मिल गया है? आइए देखते हैं। नरसिंह छात्रा की रहस्यमय गुमशुदगी, कैसे हुआ मोबाइल स्विच ऑफ, गुमशुदगी जिसका राज जंगल में कैद है। पायल ने दिया लाश का सुराग। सेठ सपाटा और साजिश, सेठ सपाटे के लिए मशहूर है ये जगह। यहाँ के घने जंगल बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसी जंगल में खौफनाक राज करीब एक महीने से दफन था, किसी की गुमशुदगी का राज। दरअसल नरसिंह छात्रा 21 साल की सुष्मिता खाल को 24 अक्टूबर से लापता थी। सुष्मिता अंबिकापुर में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, अपने घर केलारी आई। केलारी से बस से अंबिकापुर के लिए निकली, लेकिन दोपहर 3 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद घर वालों का सुष्मिता से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, सुष्मिता का कहीं पता नहीं चला। केलारी थाने में सुष्मिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और एक महीने बाद इस जंगल ने इस गुमशुदगी का राज खोला। जंगल में नरसिंह छात्रा सुष्मिता की लाश मिली। थाना केलहारी में गुम इंसान कायम था, 16/23 कुमारी सुष्मिता। ये उसी का शव होने की आशंका पर हम उनके परिजनों को भी सूचित किए, जिस टाइप से हुलिया बताया था, कपड़ा लत्ता बताया था, वो उस हिसाब से जंगल में आने के बाद शिनाख्त की गई, जो पुष्टि हुई कि ये मृतका कुमारी सुष्मिता का ही शव है, पहचान कराया गया परिजनों से। इस लाश का सुराग गांव वालों से पुलिस को मिला। मनेंद्रगढ़ से करीब 30 किलोमीटर दूर अमृतधारा से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर पहले इस जंगल में सुष्मिता की लाश मिली, वो भी कई टुकड़ों में। लाश करीब एक महीने से जंगल में थी, जंगली जानवर ने लाश का ऐसा हाल किया था। लाश के कपड़े पायल से मृतक सुष्मिता के घर वालों ने उसकी पहचान की। 24/10/2023 से लापता थी, शव की हालत छत विछत है, सड़ी गली है, पहचान हो गई, कपड़े से और जूते पहने हुए, जूते से पहचान हुई। सवाल है कि आखिर घर से अंबिकापुर जाने के लिए निकली सुष्मिता यहाँ कैसे पहुँची? ये इलाका केलारी से करीब 65 किलोमीटर दूर है, कौन था जो उसे जंगल में लेकर आया? जांच पंचनामा कार्रवाई किया जा रहा है, अब नतीजा जो भी डॉक्टर टीम है, जो भी पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई, उस आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के हलक से पुलिस वाले सच उगलवा रहे हैं, आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है? सबसे बड़ा सवाल, नर्सिंग छात्रा सुष्मिता की मौत कैसे हुई? एक महीने से आरोपी कैसे सबको गुमराह कर रहा था जो इस मौत का राजदार है? मनेंद्रगढ़ में सुजीत शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और क्राइम की खबरों को लेकर।